इसलिए उनका सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा है, काफी हाई है। हमारे वैक्सीन जो हैं वो पूरी सेफ्टी मेजर्स को सेटिस्फाई किए हैं, जैसे कि बाकी देशों की वैक्सीन भी। तो सेफ्टी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई है, ये ध्यान में रखना चाहिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है उसमें। पैरेलल प्रोसेसिंग के साथ में काम करते हुए मैन्युफैक्चरिंग और ट्रायल साथ में ले जाके ये हो सकती है कि कई सालों का काम एक साल में किया गया, उसमें कैसा काफी इन्वेस्टमेंट भी लगती है और वो इन्वेस्टमेंट भी आई है। कोविशील्ड और कोवैक्सिन, इन दोनों में फर्क क्या है, या फिर मैं पूछूं कि इमरजेंसी अप्रूवल और रिस्ट्रिक्टेड अप्रूवल, इन दोनों में क्या अंतर होता है? वैक्सीन का प्लेटफॉर्म जिस बेसिस पे वैक्सीन बनाए जाते हैं, उन दोनों में फर्क है। कोवैक्सीन एक एडेनो वायरस वैक्टर को लेके उसमें सार्स कोरोना वायरस के जीन लगा के वो बनाते हैं वैक्सीन। यहाँ कोवैक्सीन में इनएक्टिवेटेड वायरस, मतलब सार्स कोरोना वायरस को इनएक्टिवेट करके पूरी तरह से वो वैक्सीन किया जाता है। तो ये एक फर्क है। साथ में जो रिजल्ट आई है, आपने पूछा कि उनकी इमरजेंसी यूज ऑथोराइजेशन में क्या अंतर है, उसमें यह है कि कोवैक्सीन में एक तरह की इमरजेंसी यूज दिया गया है, जैसे उनकी फेज 3 रिजल्ट्स जो बाहर से आई है और इनकी ब्रिजिंग ट्रायल्स भारत में है, उन दोनों के रिजल्ट आते आते इमरजेंसी यूज ऑथोराइजेशन दिया गया है, और पूरी ऑथोराइजेशन जब फेज 3 खत्म होगी और ब्रिजिंग ट्रायल्स खत्म होगी तब दिया जाएगा। कोवैक्सीन के लिए फेज 3 ट्रायल्स जारी है, कुछ ही हफ्तों में, एक दो महीने